आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ कि पबजी गेम से हुई मानसिक बीमारी के बारे में। एक लड़का है अभी मेरे पास में कुलाया, आज ही करीब करीब 19-20 साल का लड़का, एकदम मोटा सा, हेफ्टी, ऊंचा पूरा। और क्या होता है कि काफ़ी माँ बाप देहात में रहते हैं, उनको लगता है कि अपन बड़े सिटी में रखो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि अपने जो कोई बुआ आंटी और कोई अपने लोग होंगे, रिलेटिव, रिश्तेदार जो बड़े सिटी में रहते हैं, उनके यहाँ रखते हैं पढ़ने के लिए। तो ये लड़का अपने बुआ के पास में पढ़ने के लिए आया। अब यहाँ पढ़ने के लिए आने के बाद में वो जो जिनके पास में अपन रखते हैं उनका उतना ख्याल नहीं रहता जिनका, जितना अपने खुद के बच्चों की तरफ होगा। वो तो बोलते ठीक है भाई, लाया तो ना बोल सकते नहीं है, ला के रख दिया तो रखो। और उनका उतना ख्याल नहीं रहता जितना उनका खुद के बच्चे के प्रति रहता है। इसमें हुआ क्या कि ये लड़का आंटी के पास, मतलब बुआ के पास में आया और वहाँ वो धीरे धीरे पबजी गेम के एडिक्ट हो गया, पबजी गेम का एडिक्ट बन गया, आदि बन गया। और 5-5, 6-6 घंटे खेल रहा है अपने पढ़ाई के लिए, अपने कमरे में बैठ रहा है अकेले और पबजी गेम खेल रहा है। इतना खेलना चालू किया उसने, फिर धीरे धीरे उनको मालूम पड़ा कि भाई करता क्या है, उसके बुआ को मालूम पड़ा कि भाई ये करता क्या है 5-5, 6-6 घंटे अपने कमरे में, तो मालूम पड़ा पबजी गेम का एडिक्ट हो गया है। उसको मना कर दिया, उसका फ़ोन छीन लिया, तो वो फिर वायलेंट हो जाता है, गाली गलौज करता, मारपीट करता। फिर बड़े बड़े उसको बाद में विचार आने लगे कि मुझे तो मिनिस्टर बनने का है, मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का है, मुझे आमदार खासदार बनने का है, ये इलेक्शन लड़ने का है, मेरे को बड़ी गाड़ी खरीदना है। ऐसे फिर बाद में उसको बड़े बड़े सपने और बड़े बड़े विचार आने लगे, उसके बड़े बड़े सपने बोलने लगा कि मुझे ऐसा है। एक्शन कुछ भी नहीं, नो एक्शंस, घर में बैठे रहना, स्कूल में जाना नहीं, कॉलेज में जाने का नहीं, मतलब स्कूल कॉलेज कुछ भी नहीं, पढ़ाई करने का नाम नहीं, वो पबजी गेम खेलते जाना दिन भर, नहीं तो फिर और मोबाइल में और कोई सर्चिंग करते जाना, किससे इंटरेक्शन नहीं, बातचीत नहीं। और बातचीत करने गए तो मेरे को तो ये बहुत बड़ा बनने का, ऐसा बनने का है, ऐसी बातें करना। खाना बहुत खाना, बहुत ज़्यादा खाता था इसलिए बहुत मोटा हो गया, बहुत हेफ्टी हो गया, सब पूरा फैट शरीर में जमा हुआ। अच्छा, उनको उनके माँ बाप को बोला इन्होंने, बोलते नहीं नहीं अभी आप तो बड़े शहर में, आप देख लो, किसको बता दो तो उसका इलाज कर लो, मतलब वो भी उतना केयर नहीं ले रहे, एक बार आके देख के चले गए। अभी इसको फिर मेरे पास में लाया, आज ही लाया उसको, काफ़ी बड़े लोग हैं, सीक्रेसी के लिए मैं उनको बता नहीं सकता हूँ, मगर अभी मुश्किल ये है कि वो वायलेंट हो जाता है, मोबाइल ले लिया तो, बहुत बड़ा हेफ्टी है तो मारपीट करना चालू कर देता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और बोलता मुझे कुछ हुआ नहीं है, सोता नहीं रात भर, फिर कभी कभी दिन में सुबह सुबह सो जाएगा, फिर 3-4 बजे तक सोएंगा, दोपहर को खाना कभी भी उठ के खाएंगा और अकेला अकेला बैठेगा, किससे बातचीत नहीं करेगा, मतलब इस तरह का पिक्चर है। तो ये मोबाइल एडिक्शन और पबजी एडिक्शन से लोगों को, वो तो एडिक्शन एक बीमारी हो गई पबजी की या मोबाइल की, उसके साथ साथ फिर वो एडिक्शन करते करते उनको कोई तो भी मानसिक बीमारी डेवलप हो जाती। हो सकता है कि मानसिक बीमारी वैसे भी अदरवाइज उसको डेवलप हो सकती थी, पता नहीं, वैसे भी हो सकती थी उसको मानसिक बीमारी, अभी ये कारण हो गया कि अभी पबजी गेम खेलने लगा तो ये मानसिक बीमारी हो गई। इन शॉर्ट वो उसका इलाज हमको एडिक्शन का भी करना पड़ेगा, मोबाइल एडिक्शन, और उसके साथ साथ अभी ये जो मैनिक सिम्टम्स दिखने लगे अभी, मैनिया, तो मैनिक सिम्टम्स है ये, एक्चुअली स्किजो इफेक्टिव है, मतलब स्किजोफ्रेनिया के भी सिम्टम है, मैनिक सिम्टम्स भी है, और दोनों ऐसे मिक्स पिक्चर है, मिक्स सिम्टमेटोलॉजी है, और उसका भी इलाज हमें करना पड़ेगा। अभी आज ही मेरे पास में आया, अभी उसका इलाज चालू कर दिया हमने आज, उसको इंजेक्शन दिया पहले, मेडिसिन दिया ताकि वो ज़रा कंट्रोल में आएगा, जब मोबाइल छीन लिया तो ज़रा कंट्रोल में आएगा, उसको कंट्रोल लाने के लिए उसको केमिकल चेनिंग कर दिया और उसको इंजेक्शन देके उसको सुला दिया है। उसका इलाज एंटीसाइकोटिक्स है, उसके साथ साथ एंटीहिस्टामिनिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स वो देने पड़ेंगे, और फिर बाद में सेरेटिव्स है और बाकी भी एंटीमैनिक ड्रग्स है वो है, और उसके साथ साथ फिर हम क्लोमिप्रेमिन का इस्तेमाल करते हैं, फ्लॉक्सिडिन का इस्तेमाल करते हैं, काउंसिलिंग है, हिप्नोथेरेपी है, ऐसा सब मिलके उसको इलाज करना पड़ेगा। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ये पबजी का एडिक्शन अभी इतना फैला हुआ है, मोबाइल का एडिक्शन इतना फैला हुआ है, तो लोगों में जागरूकता तैयार हो जाएंगी, और जिससे माँ बाप बच के रखेंगे अपने बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से कम जागरूक हो जाएंगे कि भाई ये हो सकता है और ये प्रॉब्लमेटिक है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।